हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने दो रूट वर्ड सीखे थे। एक रूट वर्ड था बैन, बोना बैने, जिसका मतलब था गुड। दूसरा रूट वर्ड था मैल या फिर मैले, जिसका मतलब था बैट। ठीक है जी, उसी बोन रूट वर्ड पे मैं आपसे बता रहा था कि कुछ और वर्ड्स हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं, जो अक्सर हम लोग एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलते हैं, और वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो मैंने ऑलरेडी वो वर्ड्स लिखे हैं। उसके बाद हम जो आज का रूट वर्ड है वो रूट वर्ड सीखेंगे। पहला रूट वर्ड जो हमारे पास आज है वो है पहला वर्ड जो आज हमारे पास है, दैट इज़ बोनोमी। बोन होमी नहीं है, ये वर्ड है बोनोमी। एंड बोनोमी इज अ वर्ड विच मीन्स, देखो बोन फिर से है वही गुड, और होम ये रूट वर्ड ह्यूमन को डिनोट करता है। तो गुड ह्यूमन, ठीक है, एक ऐसा ह्यूमन जिस जो जो अच्छा हो, जो दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करे, उसको बोलते हैं बोनोमी। तो बोनोमी का मतलब ही होता है फ्रेंडलीनेस। बोनोमी इज अ वर्ड विच मीन्स फ्रेंडलीनेस। ठीक है जी, इसी फ्रेंडलीनेस के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम आता है, विच इज एमिएबिलिटी। एमिएबल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, और ये क्योंकि बोनोमी, फ्रेंडलीनेस और एमिएबिलिटी तीनों जो है ये नाउन है। ठीक है, फिर हमारे पास वर्ड आया डेबोनेयर। वर्ड आया डेबोनेयर। डेबोनेयर इज अ वर्ड जिसमें आपको फिर से बोन दिखाई दे रहा है। बोन माने गुड, ड द एयर, तो गुड एयर, जिसको देख के अच्छी हवा आए, जिसको देख के अच्छा फील हो, उसको बोलते हैं डेबोनेयर। डेबोनेयर इज अ वर्ड विच मीन्स अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट, अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश। हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डेबोनेयर, देवानंद जैसे, आपको पता हो, या तो इसको वैसे भी आ सकते हो, देव ऑन एयर। देवानंद जी अपने टाइम में बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, और वो मतलब एक ऐसे शख्स थे जो अगर ब्लैक कर, उनके बारे में कई बार ये बातें सुनने को मिली हैं कि जब वो ब्लैक ड्रेस पहन के, जब ब्लैक सूट पहन के निकलते थे तो लड़कियां उनको देख के बिल्कुल फिदा हो जाती थी। तो कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश पर्सन थे देवानंद जी। देवानंद। ठीक है, फिर वर्ड आया बोनेंजा। ये जो वर्ड आया बोनेंजा, इस वर्ड को तो आप लोगों ने कई बारी सुना भी होगा, कई बारी लाइफ में यूज शायद किया हो। बोनेंजा इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ सडन चेंज, अ सडन इंक्रीज, आई विल से अ सडन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, इन वेल्थ और एनीथिंग लाइक दैट। प्रॉफिट्स जब एकदम से बढ़ जाए, वेल्थ जब किसी की एकदम से बढ़ जाए, किस्मत एकदम से अच्छी हो जाए, तो वर्ड लिखते हैं बोनेंजा। ठीक है जी, फिर वर्ड हमारे पास एक है प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको इज अ फ्रेज विच इज यूज्ड इन लीगल लैंग्वेज, क्लैट के एग्जाम्स के लिए ये वर्ड अक्सर पूछा जाता है, प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको इज अ वर्ड, बोनो माने गुड, प्रो माने फॉर, पब्लिको माने पब्लिक, तो पब्लिक के लिए जो गुड हो उसको बोलते हैं प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको इज एक्चुअली मीन्स फ्री। जब कोई अक्सर लीगल लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, जब कोई वकील किसी का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रो बोनो पब्लिको। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ लेना कि जिसके पास पैसे ना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रो बोनो पब्लिको। तो प्रो बोनो पब्लिको इज़ अ फ्रेज विच मीन्स समथिंग डन फ्री। ठीक है जी, तो आज जो हम रूट वर्ड सीखने वाले हैं, हम उस रूट वर्ड की बात कर लेते हैं। आज हमारे पास जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड है डिक्ट। इस डिक्ट नाम के रूट वर्ड से हम मिले थे पिछले एपिसोड में भी, जब हमने दो वर्ड सीखे थे। एक वर्ड सीखा था बेनेडिक्शन और एक वर्ड सीखा था मेलेडिक्शन। हमने दो वर्ड सीखे थे लास्ट एपिसोड में। एक वर्ड था बेनेडिक्शन, दूसरा वर्ड था मेलेडिक्शन। और बेनेडिक्शन एंड मेलेडिक्शन में हमने सीखा था बेने माने गुड, डिक्ट माने वर्ड्स। तो ये जो डिक्ट नाम का रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है वर्ड या टू से।
टू से, टू स्पीक या कोई वर्ड्स। तो बेनेडिक्शन होता है सेइंग गुड वर्ड्स, मेलेडिक्शन हमने सीखा था सेइंग बैड वर्ड्स। ठीक है जी, तो आज हम इस डिक्ट वर्ड को सीखेंगे। इस डिक्ट वर्ड से हम ऑलरेडी परिचित हैं, सबने ये वर्ड तो सबने सुना ही होगा, डिक्टेशन। जब हम स्कूल्स में थे तो टीचर्स हमें डिक्टेशंस बोलते थे। आजकल जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनका ट्रेनर उन्हें डिक्टेशन देता है। ठीक है, व्हाट इज दिस डिक्टेशन? अगर इस वर्ड का मीनिंग निकालो तो साफ समझ में आना चाहिए, डिक्ट माने वर्ड, शन माने एक्टिविटी। तो डिक्ट होता है टू किसी चीज को कहने की एक्टिविटी, डिक्टेशन का मतलब ही होता है। हिंदी में एक वर्ड होता था श्रुतलेख, श्रुतलेख इज द वर्ड टू से समथिंग, किसी चीज को कहना, टू से समथिंग ताकि सामने वाला किसी चीज उस चीज को लिख सके। ठीक है, सामने वाला उस चीज को लिख सके, टाइप कर सके, उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं डिक्टेशन। और इसी डिक्टेशन वर्ड का एक और मीनिंग यूज होता है विच इज गिविंग ऑर्डर्स। डिक्टेशन वर्ड का मीनिंग यूज होता है गिविंग ऑर्डर्स। ये गिविंग ऑर्डर्स आया कहां से? क्योंकि इसी डिक्ट से वर्ड बनता है डिक्टेटर, और डिक्टेटर से वर्ड बन जाता है डिक्टेटरशिप। वर्ड बनता है डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप डिक्टेटर। डिक्ट माने से, ओ आर पर्सन को डिनोट करता है डॉक्टर में, डिक्टेटर में, ठीक है ना, बेनिफैक्टर में। तो डिक्टेटर इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीट से। डिक्टेटर होता है अ रूलर विद कंप्लीट पावर, एक ऐसा रूलर जिसके पास कंप्लीट पावर हो, जिसको हम ऑटोक्रेट भी बोलते हैं। अ रूलर विद कंप्लीट पावर या ऑटोक्रेट, हिंदी में वर्ड होता है तानाशाह, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। ठीक है, और इसी डिक्टेटर से वर्ड बनता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप हो जाती है तानाशाही, डिक्टेटर चलाता है अपनी तानाशाही। ठीक है जी, तो डिक्टेटर वर्ड से ही डिक्टेशन वर्ड का मतलब हो जाता है गिविंग ऑर्डर्स। और इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड बन के आता है विच इज डिक्टेट। डिक्टेशन वॉज अ नाउन, डिक्टेट इज अ वर्ब। डिक्टेशन वॉज अ नाउन और डिक्टेट इज अ वर्ड, मीनिंग होता है या तो वही ऑर्डर देना या फिर से समथिंग अलाउड। या तो वही ऑर्डर देना या फिर से समथिंग अलाउड, किसी चीज को जोर से बोलना। ठीक है जी, तो ये डिक्ट वर्ड हम चल रहा है हमारे पास, डिक्ट का मतलब हमने सीखा वर्ड या फिर टू से। इसी डिक्ट वर्ड से जो वर्ड आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा दैट इज प्रिडिक्ट। सबने ये वर्ड ऑलरेडी सुना होगा प्रिडिक्ट, एंड प्रिडिक्ट इज अ वर्ड, प्री माने पहले, डिक्ट माने से, टू से बिफोर हैंड, फोरटेल। प्री माने पहले, फोर माने पहले, टेल माने कहना, डिक्ट माने कहना, तो फोरटेल। प्रिडिक्ट का मतलब होता है फोरटेल। इसी प्रिडिक्ट से प्रिडिक्शन बन जाता है जो कि एक नाउन हो जाती है, भविष्यवाणी। ये वर्ड्स आपको सबको पता होंगे, है ना, तो वर्ड बन गया प्रिडिक्ट। इसी प्रिडिक्ट वर्ड की तरह हमारे पास एक और वर्ड आया विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट के अंदर मेरे पास फिर से एक और नया रूट आया विच इज कॉन्ट्रा, मीन्स ऑपोजिट। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है ऑपोजिट, अगेंस्ट। ठीक है, तो डिक्ट माने टू से, टू से द ऑपोजिट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या बना?
टू से द ऑपोजिट, किस चीज का ऑपोजिट, ऑफ व्हाट समवन एल्स हैज सेड, किसी ने कोई बात कही आपने उसके ऑपोजिट बात कह दी तो वो बात बन गई, आपने उसकी बात को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, टू से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट समवन एल्स हैज सेड, उसको बोल देते हो क्या, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है जी, फिर इसी वर्ड से, डिक्ट वर्ड से हमारे पास एक वर्ड बनता है डिक्टम। एक वर्ड बनता है डिक्टम। डिक्टम वर्ड के दो मीनिंग है, एक तो वही ए फॉर्मल ऑर्डर, एक फॉर्मल ऑर्डर, या इसी डिक्टम का जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है सेइंग, कहावत। इसी सेइंग के लिए मेरे पास सिनोनिम आता है एडेज, इसका मतलब भी होता है कहावत। इसी एडेज के लिए मेरे पास सिनोनिम आता है प्रोवर्ब, इसका मतलब भी होता है कहावत। इसी के लिए सिनोनिम आ जाता है मैक्सिम, मीनिंग होता है कहावत। किसी कहावत होती क्या है, कहावत होती है भाई कोई ट्रू बात को कहना, किसी ट्रू बात को कहना अलग से वर्ड्स यूज करके, है ना, माइट इज राइट, इस टाइप की चीजें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको बोलते हैं हम डिक्टम। क्या बोलते थे हम उसको, डिक्टम। ठीक है, और यहां से एक बात और सीखने लायक थी, हमारे पास एक वर्ड आया था यहाँ पे प्रोवर्ब, और इस प्रोवर्ब के अंदर हमें मिला वर्ब। ये जो वर्ब वर्ड है ना, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का मतलब भी होता है टू से। वर्ब भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू से। ठीक है, इसी वर्ब वर्ड से हमारे पास एक वर्ड बनता है वर्बोस। वर्ब वर्ड से हमारे पास एक वर्ड बनता है वर्बोस, जो वर्ब्स का बोस हो, जो फुल ऑफ हो वर्ब से, जो सारा दिन बोलता रहे, चुप करवाना मुश्किल हो जाए, उसको बोलते हैं वर्बोस, टॉकेटिव, बातूनी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोले उसको बोलते हैं वर्बोस, मीनिंग हो जाता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा यूज करना, हम बोल देते हैं उसको वर्बोस। ठीक है, इसी वर्बोस की तरह हमारे पास एक और वर्ड आता है विच इज वर्बेटिम। एक और वर्ड आया विच इज वर्बेटिम, एंड वर्बेटिम इज अ वर्ड विच मीन्स वर्ड टू वर्ड। जब किसी ने कोई बात कही, ठीक है, और आपने उसकी बात को एज इट इज कह दिया, तो आप बोलते हो वर्बेटिम। वर्बेटिम का मीनिंग होता है यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। किसी की बात को एज इट इज रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बेटिम, यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। इसी के लिए मेरे पास एक idiom है जी, टू द लेटर। एक idiom होता है टू द लेटर। टू द लेटर इज एन idiom विच मीन्स एग्जैक्टली। टू द लेटर यूज होता है, जैसे द लॉ शुड बी ओबेड, द रूल शुड बी ओबेड टू द लेटर। मतलब होता है कि जैसा कहा गया है एज इट इज होना चाहिए, ओबे द रूल टू द लेटर। ठीक है, तो वर्ब का मतलब भी था टू से, टू स्पीक या वर्ड। डिक्ट का मतलब भी था टू से, टू स्पीक या फिर वर्ड। इसी डिक्ट वर्ड से हमारे पास दो और वर्ड बनते हैं
एक वर्ड बनता है एडिक्ट और दूसरा वर्ड जो बनता है दैट इज इंडाइट। लिखा इंडिक्ट है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन इज इंडाइट। वर्ड है इडिक्ट। इडिक्ट इज अ वर्ड विच मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर। जब ऑफिशियली कोई बात कही जाती है तो हम उसको बोलते हैं इडिक्ट। इंडाइट भी एक ऑफिशियल ऑर्डर है लेकिन इंडाइट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर इन विच समबडी इज एक्यूज्ड। To accuse somebody formally, मतलब जब हम officially किसी को accuse करते हैं तो उसको बोलते हैं। जब कोई जज किसी को सजा सुनाता है तो उसको बोलते हैं indict। ठीक है, to accuse somebody officially। इसी indict से word बन जाता है indictment। अब इसको इंडिक्टमेंट नहीं पढ़ते, हम इसको बोलते हैं इंडाइटमेंट। ठीक है, तो इंडाइटमेंट वर्ड का एक मतलब तो यही हो गया, शन मेंट माने प्रोसेस और इंडाइट माने एक्यूज करने की। तो इंडाइट हो गया मतलब एक फॉर्मल प्रोसेस जिसमें किसी को एक्यूज किया जाता है। ठीक है, और इंडाइटमेंट का एक और मीनिंग होता है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग बैड। ठीक है जी, इंडाइटमेंट का एक मतलब हो जाता है एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग बैड। ठीक है, तो आज हमारे पास यही वर्ड्स थे जो हमने सीखने थे। हमने सिर्फ एक ही रूट वर्ड सीखा विच इज डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है वर्ड या टू से, वर्ब का मतलब भी होता है वर्ड या टू से। हमने पिछले एपिसोड के कुछ वर्ड्स हमारे पेंडिंग थे हमने वो सीखे। पहला वर्ड था बोनोमी। बोनोमी इज अ वर्ड विच मीन्स फ्रेंडलीनेस, एमियबिलिटी। हमने एक और वर्ड सीखा डेबोनायर। डेबोनायर इज अ वर्ड विच मीन्स कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश। फिर हमने सीखा बोनेंजा। बोनेंजा का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। हमने सीखा प्रो बोनो पब्लिको, जब किसी के लिए कोई फ्री सर्विस दी जाती है पब्लिक के लिए तो उसको बोलते हैं प्रो बोनो पब्लिको। वर्ड सीखा वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, टोकेटिव सिनोनिम हो गया। वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। ऐसा ही एक idiom होता है टू द लेटर, मीनिंग एग्जैक्टली। Edict is a word which means an official order. Indict is also an official order but by a judge. Indict judge करता है किसी को जब accuse करता है officially. Word सीखा benediction, already सीख चुके थे malediction. Benediction blessing, malediction curse. Word सीखा dictation. Dictation का मतलब होता है किसी को as it is कोई बात कहना, to say something. और डिक्टेटर एक ऐसा रूलर जिसके पास कंप्लीट पावर हो, ऑटोक्रेट, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेट होता है किसी को ऑर्डर देना या से समथिंग अलाउड। प्रिडिक्ट होता है फोरटेल, प्रिडिक्शन इससे बनता है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है टू से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट समवन एल्स हैज सेड। डिक्टम होता है फॉर्मल ऑर्डर। इसी का एक और मीनिंग होता है सेइंग, कहावत। सिनोनिम्स होते हैं एडेज, प्रोवर्ब एंड मैक्सिम। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हमने यही वर्ड सीखने थे। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग करते नहीं हैं, कोई बात नहीं, सब देख रहा है ऊपर वाला, वो लेगा हिसाब। चलो ठीक है जी, थैंक यू फ्रेंड्स।